नमस्कार, आप देख रहे हैं INN24 और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बुलेटिन में सबसे पहले मुख्य सुर्खियां। नागपुर अधिवेशन का दूसरा दिन, विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर साधा निशाना, किसानों के मुद्दे को लेकर की घेराबंदी। महाराष्ट्र में नागपुर अधिवेशन के दूसरे दिन भी कांग्रेस से एनसीपी, समाजवादी और अन्य दलों के साथ मिलकर कांग्रेस एनसीपी ने महाराष्ट्र सरकार को किसानों के हित में जमकर लताड़ा। विपक्ष का हल्ला बोल मोर्चा में दिखा जनाक्रोश। कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व कर रहे गुलाम नबी आजाद राज्यसभा मेंबर ने कहा, कांग्रेस किसानों की सरकार है और गुजरात में हार के डर से हल्की बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री अब गुजरात में प्रधानमंत्री को हार देखनी पड़ेगी। विपक्ष के नेताओं द्वारा तरह तरह के आरोप लगाए गए। आरएसएस पिछले 60 सालों में हाफ पेंट से फुल पेंट तक पहुंच पाई है। सरकार किसानों का कर्ज माफी करे, वरना कांग्रेस अधिवेशन में हर जगह भारतीय जनता पार्टी को घेरने से नहीं झुकेगी। युवकों की अपनी समस्याएं हैं, महिलाओं की अपनी समस्याएं हैं, बुजुर्गों की अपनी समस्याएं हैं, पढ़े लिखे लोगों की अपनी समस्याएं हैं, कम पढ़े लिखे लोगों की अपनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को हम हल कैसे करें, उनकी गरीबी को हम कैसे सरकार में रहकर कम करें, इसीलिए राजनीतिक दल केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर अपना दल बनाते हैं। उस दल के द्वारा अपना एक कार्यक्रम लेकर जनता के पास जाते हैं और जनता को यदि वो कार्यक्रम पसंद आया तो उस पार्टी को वो सत्ता में लाते हैं।